तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और गाइस मज़े में रहना। तो गाइस स्वागत है मेरी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डेजर्ट ईगल से हेडशॉट इजीली शॉर्ट रेंज में कैसे मार सकते हो, जो ज़्यादातर प्रो प्लेयर यूज़ करते हैं वो वाली ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए किसी भी गन से हेडशॉट मारने के लिए, तो यार सेंसिटिविटी यार वही तो मेन है किसी भी गन से हेडशॉट मारने के लिए। वो अगर आप सही नहीं रखोगे तो यार शॉर्ट रेंज में आपका जो एम है वो बॉडी पे एनिमी के चिपक जाएगा। तो गाइस मेरा एक्सपीरियंस है कि यार आप ना 100 करो, और अगर आपका हैवी डिवाइस है तो यार आप 85 से 80 के पास आसपास रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपका पास लो डिवाइस है, 3 GB 2 GB 4 GB रैम है, तो गाइस आप 100 रखना है, क्योंकि यार इससे जो सेंसिटिविटी होती है वो यार थोड़ी स्मूथ हो जाती है और बंदे को हेडशॉट लगने में थोड़ी इजी हो जाती है। चल ठीक है भाई, अब तो डिजर्ट ईगल की बता। तो गाइस डिजर्ट ईगल में क्या है, अगर आप लॉन्ग रेंज में हो तो गाइस अगर आप बॉडी पे एम रख के हेड करते हो तो उसे आसानी से हेड लग जाता है, और मीडियम रेंज में हो तब उसके अगर पैर के पास भी आप एम रख के मारते हो तो मीडियम रेंज में भी उसके लग जाता है। लेकिन जो शॉर्ट रेंज है उसकी यार एक ट्रिक है जो प्रो प्लेयर ज़्यादातर यूज़ करते हैं और उन्हें पता है, लेकिन वो यार झिझकते हैं बताने से। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब शॉर्ट रेंज में यार एनिमी आएगा तो यार या तो आपके फेस टू फेस आएगा या फिर लेफ्ट या राइट से आएगा। तो गाइज आपको कैसे उसे शॉर्ट रेंज में मारना है, तो देखो गाइज सबसे पहले मैं बता दूं आपको यार रोटेशन, स्क्रीन को रोटेट करना सही तरीके से आना चाहिए एनिमी के हिसाब से कि एनिमी कहाँ है तो आपको कैसे रोटेट करना है। गाइज अगर आपको क्लोज रेंज में बंदा आता है तो गाइज आप सिंपली आपको ये सीखना है गाइज, पहले एम नीचे रख के फिर एनिमी को ऐसे हेड मारना है। अब मैं आपको वीडियो में कम्प्लीटली बताता हूँ हो क्या रहा है। क्लोज रेंज में कभी भी बंदा आता है तो गाइस सबसे पहले आप उसके एम से थोड़ा हट के दूर जंप करो, और गाइस ऐसा ही मैंने किया, उसके थोड़ा दूर से जंप किया, फिर मैंने उसके नीचे बिल्कुल पैर के नीचे एम किया। रेड डॉट नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि रेड डॉट हो जाता है तो एम चिपक जाता है, तो आपको पैरों के नीचे रखना है जैसे कि मैंने रखा है, और फिर आपको ऊपर की तरफ तेज़ी से ड्रैग करना है, और फिर गन का स्विच बटन को टैप करना है, क्योंकि गन का स्विच बटन टैप करने के बाद हेडशॉट लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है।